दोस्तों ये है महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 2020 मॉडल है, डीजल कार है ये, और इस कार की आज हम करने वाले हैं इंजन की सर्विस। तो इसकी इंजन सर्विस में दोस्तों क्या खर्चा आता है और कौन कौन सा पार्ट्स हमें बदलना होता है वो सभी हम डिटेल में दिखाएंगे आपको। तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपको पता लग जाएगा कि इसकी स्कॉर्पियो की सर्विस में क्या खर्चा आता है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इसका ऑयल सम का जो बोल्ट होता है वो खोलना होता है, 22 नंबर का होता है ये, आप देख सकते हैं 22 नंबर के रिंग पाने से हम इसका बोल्ट अभी खोलने वाले हैं, और इसका बोल्ट खोल के हम इसका ऑयल ड्रेन करेंगे। तो ऑयल सम का बोल्ट जो है हमने ढीला कर लिया है, और अभी इसका ऑयल ड्रेन करके फिर हम इसके ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, ये सभी फिल्टर भी खुलवाएंगे। और दोस्तों अभी हम खुलवाएंगे इसका एयर फिल्टर जो कि यहाँ पर लगा होता है। तो इसका एयर फिल्टर निकालने के लिए, खोलने के लिए हमें ये सबसे पहले इसका कपलर निकालना होगा। कपलर का ये पीला वाला लॉक है, इसको पीछे की तरफ खींचना होता है अपनी तरफ, और उसके बाद में इसको प्रेस करके और सॉकेट को, इसको कपलर को बाहर की तरफ खींच लेंगे तो ये आसानी से निकल जाता है। तो अभी हमने इसका कपलर निकाल दिया है, और इसका एयर फिल्टर खोलने के लिए 5 नंबर एलंकी वाले बोल्ट लगे होते हैं एयर फिल्टर पर, तो ये सभी बोल्ट हमें खुलवाना होंगे। तो ये सभी बोल्ट खोलने के बाद में, और इसका एयर फिल्टर पे जो हॉस पाइप जो लगा हुआ है, हॉस पाइप पर एक क्लिप होता है, क्लिप भी हमें ढीला करना होगा, खोलना होगा, और उसके बाद में एयर फिल्टर बॉक्स को हम बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये रहा इसका क्लिप जो 7 नंबर की टी वाली गोटी से या स्क्रू ड्राइवर से ढीला किया जाता है, लूज़ किया जाता है, तो हमने इसको पहले ही लूज़ कर दिया है। और अभी हम एयर फिल्टर बॉक्स का जो कवर है इसको हमने हटा दिया, और अभी आपको एयर फिल्टर निकाल के दिखाते हैं कि किस कंडीशन में है। तो ये रहा दोस्तों इसका एयर फिल्टर, और इसका एयर फिल्टर बोले तो ये अभी ठीक कंडीशन में है, क्योंकि अभी ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना हुआ है, एक महीना पहले ही ये फ़िल्टर नया डलवाया था, तो ये फ़िल्टर में अभी कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है। इसमें थोड़ी बहुत जो धूल मिट्टी जमा हो गई है उसको हम हवा वाले प्रेशर से बहुत अच्छे से साफ़ कर देंगे, क्लीन कर देंगे, और उसके बाद में हम ये एयर फिल्टर यही वाला लगवाएंगे, क्योंकि अभी महीना भर पहले ही ये फ़िल्टर चेंज करवाया था। और ये रहा इसका फ़िल्टर बॉक्स पूरा असेंबली, तो इसको हम खोल कर बाहर धुलवा कर साफ़ करवा कर लगवाएंगे। और दोस्तों ये रहा इसका फ्यूल फिल्टर असेंबली, तो फ्यूल फिल्टर असेंबली को हम कंप्लीट बाहर निकालेंगे, उसके बाद हम इसके फ्यूल फिल्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें ये वाले जो पाइप हैं, जो रेड कलर के जो बटन वाले लॉक दिख रहे हैं, इसको दबाकर प्रेस कर निकालना होता है, तो हमने निकाल दिया इस वाले पाइप को। तो सेम इसी हिसाब से इस वाले पाइप को भी निकालना है, तो इसमें भी बटन दिया होता है, तो इस बटन को अंदर प्रेस करेंगे तो दोनों पाइप निकल जाते हैं इस हिसाब से। और उसके बाद में निकालना है इस कपलर को, तो ये कपलर निकालने के लिए इस लॉक को थोड़ा उठाना पड़ेगा, और ये बड़ी ही आसानी से निकल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो में, इसको भी हमने निकाल दिया है। उसके बाद में हमें निकाल खोलना होते हैं इसके ये दोनों 16 नंबर वाले दोनों बोल्ट। तो ये दोनों बोल्ट खोलकर और इसकी फ्यूल फिल्टर असेंबली जो है पूरी बाहर आ जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों 16 नंबर के जो बोल्ट हैं वो दोनों ही खोल कर हमने ये बाहर निकाल लिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद निकालेंगे हम इसकी फ्यूल फिल्टर असेंबली। तो ये फ्यूल फिल्टर असेंबली हम निकाल रहे हैं, और इसका फ़िल्टर भी चेंज करेंगे, क्योंकि 20,000 किलोमीटर पूरा चल गया फ़िल्टर ये। और दोस्तों यहाँ पर इसका लगा होता है ऑयल फ़िल्टर, तो ऑयल फ़िल्टर निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसका फ्यूल फ़िल्टर खुलवाना होता है, फ्यूल फ़िल्टर असेंबली को हटाना होता है, तभी जगह बन पाती है। और ये सामने लगा होता है ये रेड कलर का, लाल कलर का जो लगा है ऑयल फ़िल्टर, तो ये जगह बन जाती है, उसके बाद ही हम ऑयल फ़िल्टर खोलने में हमें आसानी होती है। तो अभी खुलवाएंगे हम इसका ऑयल फ़िल्टर। तो ऑयल फ़िल्टर खोलने के लिए ये रहा इसका पुलर ऑयल फ़िल्टर का, जो कि स्कॉर्पियो के नाम से ही आता है, तो ये स्कॉर्पियो लिखा हुआ है इस पर फिल्टर पुलर पर। और अभी हम ये फ़िल्टर पुलर लगाकर और इसका ऑयल फ़िल्टर ढीला करके, लूज़ करके हम इसको बाहर निकाल लेंगे घुमाकर। तो फ़िल्टर पुलर लगाने के बाद में हमें टामी की मदद से इसको घुमाना होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों अभी ये फ़िल्टर हमने लूज़ कर लिया है,
तो ये अभी हम ऑयल फिल्टर खुलवा रहे हैं दोस्तों, और ऑयल फिल्टर खोल कर बाहर निकाल कर आपको दिखाएंगे कि ये महिंद्रा का ओरिजिनल ऑयल फिल्टर है जो इसमें लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी जो ये हमने ऑयल फिल्टर खोल कर हमने बाहर निकाल लिया है, ये महिंद्रा का ओरिजिनल ऑयल फिल्टर है। और दोस्तों, ऑयल फिल्टर जो है, जब भी कभी इंजन की सर्विस होती है तो हर बार सर्विस पे इंजन ऑयल के साथ में इस फिल्टर को बदलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही एक ऐसा फिल्टर है या ऐसा पार्ट है जो इंजन ऑयल के साथ में हर बार बदला जाता है। और ये इसलिए बदला जाता है, इंजन ऑयल के अंदर जो भी गंदगी, मिट्टी वगैरह जो भी होती है, उसको ये ऑयल फिल्टर फिल्टर करके साफ मोबिल जो है इंजन में भेज देता है, और कचरा जितना भी होता है वो अपने अंदर रोक लेता है। और अब खुलवा रहे हैं दोस्तों हम इसका फ्यूल फिल्टर। तो फ्यूल फिल्टर की कैप जो खोलने के लिए ये 36 नंबर की चाबी का इस्तेमाल करना होता है, 36 नंबर, क्योंकि इस पे जो पैल जो दिए हैं, बोल्ट वाले जो पैल दिए हैं इस पे, ये 36 नंबर के होते हैं। तो 36 नंबर की चाबी से इसे लूज़ कर ढीला कर हम इसको इसकी कैप को बाहर निकालेंगे, उसके बाद ही फ़िल्टर बाहर आ पाएगा। तो इस कैप को हमने खोल दिया है दोस्तों, और कैप खोलने के बाद में ये रहा इसका डीज़ल फिल्टर जो इसके अंदर अभी लगा हुआ है। तो ये डीज़ल फिल्टर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये महिंद्रा का ओरिजिनल डीज़ल फिल्टर है जो इसमें लगा हुआ था, और ये पूरा पूरा 20,000 किलोमीटर तक चल चुका है, 20,000 किलोमीटर के टाइम इसका पूरा हो गया। तो अब इसको बदलना ज़रूरी है, हालाँकि गाड़ी अभी भी ठीक चल रही थी, कोई मिसिंग नहीं, स्टार्टिंग भी सब कुछ बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, लेकिन 20,000 किलोमीटर की इसकी एक लिमिट है, इसका एक टाइम है। तो 20,000 किलोमीटर का इसका टाइम पूरा हो गया, तो इसको हम अभी चेंज कर देंगे। और बीच में कई बार ऐसा भी चेंज करना पड़ जाता है, जैसे टंकी में कई बार कचरा आ जाता है या पानी आ जाता है, तो इसको पहले भी चेंज करना पड़ जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 20,000 पे ही चेंज होगा, अगर बीच में कभी ख़राब होता है तो बीच में भी चेंज करना पड़ जाता है। तो ये रहे दोस्तों इसके फ़िल्टर जो हमने मंगवा लिए हैं महिंद्रा के ओरिजिनल। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इसका ऑयल फ़िल्टर है जिसकी प्राइस है 200 रुपये, ये इसकी MRP प्राइस। और ये रहा पार्ट नंबर ऊपर जो लिखा हुआ है, ये इसका ऑयल फ़िल्टर है। आपको अभी इस डिब्बे से बाहर निकाल कर भी आपको मैं दिखा दूँ अभी। तो ये सभी पार्ट जो हमने मंगवाया है दोस्तों, महिंद्रा का ओरिजिनल मंगवाया है। और ये फ़िल्टर जो है अभी आपको यहाँ पर दिखा दूँ, ये लिखा हुआ है इस पर महिंद्रा। तो ये सब महिंद्रा का ओरिजिनल पार्ट है, और ये इसका ऑयल फ़िल्टर है। तो ऑयल फ़िल्टर जो है इंजन ऑयल के साथ हर बार हमें चेंज करवाना है। और ये रहा इसका डीजल फ़िल्टर, इसकी MRP प्राइस है 595 रुपये, यहाँ पर लिखी हुई है, और ऊपर लिखा है इसका पार्ट नंबर ये यहाँ पर। तो ये इसका डीजल फ़िल्टर है, फ्यूल फ़िल्टर जो कहलाता है। तो फ्यूल फ़िल्टर अभी मैं आपको इस डिब्बे से बाहर निकाल कर ये भी आपको दिखा दूँ, क्योंकि ये भी हमने नया मंगाया है। और ये जो फ़िल्टर है दोस्तों, इसकी लाइफ होती है 20,000 किलोमीटर की, क्योंकि ये महिंद्रा का ओरिजिनल फ्यूल फ़िल्टर है। और बीच में कई बार ऐसा हो जाता है कि 20,000 किलोमीटर से पहले बदलने का रीज़न ये हो जाता है, जैसे कई बार हमारी टंकी में कोई गलत डीज़ल पड़ जाता है, या हमारे फ्यूल टंकी में, फ्यूल टैंक में हमारे कचरा, गंदगी, पानी कुछ भी जमा हो जाता है। तो वो क्या होता है, फ्यूल टैंक से पहले सीधा हमारे फ्यूल फ़िल्टर पर आता है। तो फ्यूल फ़िल्टर कई बार क्या होता है, उस कचरे के वजह से या पानी की वजह से चोक हो जाता है, बंद हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमें इसको पहले भी बदलवाना पड़ जाता है। और इसमें जो इंजन ऑयल हम यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, वो हमारा ये है कैस्ट्रॉल का CRB टर्बो मैक्स के नाम से है, 15W40CH4। तो ये डीजल इंजन के लिए है, और हमारी कार जो है महिंद्रा स्कॉर्पियो डीजल इंजन की है। तो कैस्ट्रॉल का ये इंजन ऑयल बहुत अच्छा इंजन ऑयल है, और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है इसका, और काफ़ी सस्ता भी है। तो ये जो है 7.5 लीटर की बाल्टी है, यहाँ पर जो लिखा है 7.5 लीटर, तो 7.5 लीटर है, हम इसमें यूज़ करेंगे 7 लीटर, और इसमें आधा लीटर बचा देंगे, क्योंकि स्कॉर्पियो में 7 लीटर ही पड़ता है, आधा लीटर बचा कर हम इस बाल्टी में ही रहने देंगे। तो अभी हम लगवा रहे हैं इसका ऑयल फ़िल्टर लगाएंगे सबसे पहले। लेकिन ऑयल फ़िल्टर लगाने से पहले दोस्तों, हमें इसकी जो फ़िल्टर बॉडी है, जो ये ऑयल कूलर वाली जो बॉडी है, तो इसको पहले हमें साफ़ करवाना होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी गंदगी जमा है, आपको दिख रही है यहाँ पर। इसको हम सूती कपड़े से पहले अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस बॉडी को, इस असेंबली को हमने बहुत अच्छे तरीके से सूती कपड़े से इसको साफ़ कर लिया है, और आपको यहाँ पर वीडियो में दिखा रहे हैं। इसको साफ़ करके उसके बाद ही हम ऑयल फ़िल्टर इसमें लगाएंगे। तो ऑयल फ़िल्टर लगाने से पहले दोस्तों, एक बात का ध्यान और रखना होता है कि इसमें जो रबर वाला जो रिंग है, तो ये रिंग पर हमें या तो ग्रीस और या फिर इंजन ऑयल,
इनमें से कोई भी एक चीज़ लगाना चाहिए, जिससे क्या होता है रिंग हमारा प्रॉपर तरीके से बैठता है। और जब हम फिल्टर को टाइट कर देते हैं तो फिल्टर को टाइट करने के बाद में कभी दोबारा जब खोलने का सर्विस के टाइम पे जब नंबर आता है खोलने का, तो उस टाइम पे ये आसानी से खुल जाएगा, जाम नहीं होगा। तो फ़िल्टर टाइट करने के टाइम पे दोस्तों ध्यान एक चीज़ का और देना होता है कि ये हम अभी इसमें फ़िल्टर पुलर तो लगा रहे हैं, लेकिन इसको आप हाथ से भी टाइट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत अधिक इसको कसना नहीं होता है, बहुत हल्के से, यानी दो राउंड घुमा दिए तो दो राउंड बहुत ज़्यादा हो गए समझ लीजिए, बल्कि इसको आप हाथ से भी टाइट कर देंगे, हाथ की ताकत से भी, तो ये बिल्कुल सही टाइट हो जाता है। तो दोस्तों अभी हमने ऑयल फ़िल्टर टाइट करवा दिया है, और ऑयल फ़िल्टर टाइट करने के बाद में अभी हम लगवाएंगे इसमें और बाकी के पार्ट जो अभी हमने सब लाए थे। तो दोस्तों ये रहा इसका फ्यूल फ़िल्टर, डीजल फ़िल्टर जो हमने नया मंगाया था, तो अभी हम नया वाला इसमें लगवा रहे हैं अभी। तो नया वाला डीजल फ़िल्टर लगाकर और इसका जो रिंग भी हम इसका चेंज करेंगे, जो इसके फ़िल्टर के साथ में जो इसका रबर का रिंग आता है, तो ये रहा इसका रिंग, इसको भी चेंज करना होता है। और ये रिंग लगाने के बाद में दोस्तों हमें ध्यान रखना है एक चीज़ का और, कि अगर हम इसको लगाने के बाद में और फ़िल्टर की कैप को अगर हम ऐसे ही कस देंगे, तो ये रिंग जो है सूखा होता है, और फ़िल्टर को कैप को जब हम कस देते हैं तो कई बार क्या होता है हमारी फ़िल्टर की कैप बहुत ज़्यादा जाम हो जाती है। तो जाम होने के बाद में क्या होता है, जब कभी दोबारा खोलना होती है, यानी दोबारा खोलने का जब नंबर आता है, तो जाम की वजह से वो टूट भी जाती है। तो हम लगाएंगे इस पर रबर वाला ग्रीस, तो ये आप देख सकते हैं इस पर हमने रबर वाला ग्रीस इस पर लगवा दिया है। अगर आपके पास में रबर वाला ग्रीस है तो रबर वाला ग्रीस आप इस पर लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि रिंग जो है बहुत ज़्यादा जकड़ेगा नहीं, जिसकी वजह से कैप जो है बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होगी। और कैप को भी जो है दोस्तों बस इसको हाथ से ही टाइट करना होता है, टाइट करने के टाइम पे इसको चाबी या पाना कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करना है। तो हम इसको सिर्फ हाथ से ही टाइट करेंगे, और हाथ से टाइट करके इसके बस जॉइंट जो हैं दोनों वो आपस में मिल जाना चाहिए, बस इतना टाइट करना है। जब कभी दोबारा खोलेंगे तो ये आसानी से खुल जाएगा, क्योंकि इसमें हमने ग्रीस का इस्तेमाल कर लिया है, क्योंकि बिना ग्रीस के लगाएंगे तो खोलने के टाइम पे कई बार इसकी कैप इतनी जाम हो जाती है कि खोलने के टाइम पे टूट भी जाती है, कई बार ऐसा हो चुका है, तो इस बात का ध्यान रखें। ये दोनों जॉइंट हमने, आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों जॉइंट जब पूरी तरह से मिल जाएँ तो समझ लीजिए हमारा फ़िल्टर जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से मिल गया। और हाथ की ताकत से आपको इसको टाइट कर देना है बस, बाकी इसमें कोई चाबी पाने का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और सबसे लास्ट में जो है दोस्तों इसकी जो फ्यूल फ़िल्टर के नीचे वाली जो निपल है इसकी, ये इसलिए दी होती है कि फ़िल्टर में जो पानी वगैरह जमा हो जाता है उसको निकालने के लिए। तो अभी हमने ऑयल फ़िल्टर तो लगा दिया था, इसको टाइट भी कर दिया है, और अब हम लगवा रहे हैं इसकी फ्यूल फ़िल्टर बॉडी, फ्यूल फ़िल्टर असेंबली लगवाएंगे अभी, जो कि हमने कम्प्लीट करी है अभी फ्यूल फ़िल्टर लगा कर। और अभी लगाएंगे इसकी दोनों पाइप। तो अभी हमने सबसे पहले इसकी मेन पाइप लगा दी है, और मेन पाइप लगाने के बाद में एक पाइप को हमें अभी ऐसे ही खुला छोड़ देना है, क्योंकि इसकी एयर भी हमें निकालना है, फ़िल्टर अभी फ़िल्टर असेंबली खाली है। तो ये बटन जो दिया है इसको प्रेस करेंगे लगातार, तो लगातार प्रेस करने पर दोस्तों इसमें डीजल आ जाता है। तो आप देख सकते हैं अभी इसमें डीजल आ चुका है, तो जब इसमें बिल्कुल साफ़ डीजल आने लगेगा, साफ़ डीजल आ जाता है, उसके बाद में हमें इसको रोक देना है। तो अभी हमारे इसमें साफ़ डीजल आने लगा, तो साफ अभी हम इसको रोक देंगे। और दोस्तों हमने इसका पाइप भी लगा दिया, और ये पाइप लगाने के बाद में अभी ये फ़िल्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, ऑयल फ़िल्टर और फ्यूल फ़िल्टर दोनों फ़िल्टर हमारे कंप्लीट हो गए, और अब लगवाएंगे हम इसका एयर फ़िल्टर। तो एयर फ़िल्टर आप देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल हमने इसको साफ़ करवा लिया है एयर, मतलब हवा वाला प्रेशर से इसमें हवा लगवा कर बहुत अच्छे तरीके से इसको साफ़ करवा दिया है, इसमें ज़रा भी गंदगी नहीं है। और अब हम इसको लगवाएंगे, अभी कार में फिट करवाएंगे इसमें।
और इसकी जो फ़िल्टर बॉक्स है, पूरा फ़िल्टर बॉक्स को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से धुलवा कर, साफ़ करवा कर इसमें फ़िट करवा दिया है। और अब हम इसमें लगाएंगे इसमें एयर फिल्टर, जो अभी हमने एयर फिल्टर साफ़ करवाया था। और ये लगा रहे हैं हम इसका एयर फिल्टर का ऊपर का कवर इसका। तो ये सब लगाने के बाद में इसके जो एलंगी वाले बोल्ट होते हैं 5 नंबर के, वो भी लगवाएंगे। और इसका जो एयर फिल्टर हॉस पाइप का जो क्लिप है ये वाला, इस क्लिप को भी अभी टाइट करवाएंगे। तो ये सभी बोल्ट जो हम लगवा रहे हैं एलंकी वाले 5 नंबर के, इन बोल्टों को भी दोस्तों सिर्फ चुटकी से टाइट करना होता है। इस पे बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगाना होती है, क्योंकि ये फ़िल्टर बॉक्स जो है प्लास्टिक का है और इसके अंदर ये स्टड और नट इसके अंदर फिक्स करके दिए होते हैं कंपनी ने। तो अगर आप इस पे ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो अंदर से ये नट घूम जाते हैं और उसके बाद में फिर खुलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं। तो इसलिए आपको इसको चुटकी से टाइट करना है। और ये रहा इसका कपलर, और कपलर भी आपको बस पूरा ऐसे प्रेस करके इसे दबा कर और इस पे लॉक को भी दबा देना है। तो ये हमारा कपलर भी ठीक तरीके से लग गया। और ये हमने क्लिप जो है, क्लिप भी हमने टाइट करवा दिया है इसका। और दोस्तों इसका जो ऑयल सम्प जो चैम्बर जो है नीचे की साइड में, तो इसका जो 22 नंबर का बोल्ट है वो अभी हम लगवा देंगे, क्योंकि ऑयल जो है सारा बाहर निकल गया और सारा ऑयल अच्छी तरीके से निकल चुका है इसमें से। तो इस बोल्ट को हम टाइट करवा देंगे अभी 22 नंबर के रिंग पाने से। और अब हम डलवाएंगे इसमें इसका इंजन ऑयल। तो इंजन ऑयल डालने के लिए यहाँ पर ये कैप लगी होती है ऊपर की साइड में, तो ये कैप हमने खुलवा कर और इसमें अब डलवाएंगे हम इसमें नया वाला इंजन ऑयल। तो ये रही कैस्ट्रॉल की 7.5 लीटर की बाल्टी, जो कि जिसकी कैप हमने खुलवा दी है। और अब हम इसमें डलवा रहे हैं इसका नया वाला इंजन ऑयल। तो दोस्तों आप कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल काफ़ी अच्छा है और इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। तो क्योंकि मैं तो काफ़ी सारी गाड़ियों में ये वाला ऑयल भी यूज़ कर लेता हूँ और महिंद्रा का भी यूज़ करता हूँ, तो इंजन ऑयल कोई सा भी आप ओरिजिनल यूज़ कर सकते हैं। तो अभी सभी ऑयल हमने डलवा दिया है, उसके बाद इसकी कैप लगा कर और इसको हम टाइट कर देंगे अभी। तो दोस्तों इसका कूलेंट जो है, कूलेंट थोड़ा कम है, तो हम अपने पास से इसमें 0.5 लीटर के आसपास करीब कम है, तो हमारे पास में रखा हुआ है 0.5 लीटर, तो हम अपने पास से इसमें कूलेंट पूरा करवा देंगे। बाकी इसमें जो पड़ा हुआ है कूलेंट पहले से, वो बिल्कुल ठीक कंडीशन में है, थोड़ा कम है, तो हम अपने पास से 0.5 लीटर इसमें पूरा करवा रहे हैं अभी। तो सभी काम करने के बाद में दोस्तों अभी हमारी कार पूरी तरह से कंप्लीट है। हमने इसका एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर, सारे फिल्टर इसमें चेंज कर दिए। कूलेंट थोड़ा कम था, वो हमने इसमें पूरा करवा दिया। और इसका जो और सभी पार्ट्स जो चेक करने को होते हैं सर्विस में, वो हमने सभी अच्छे तरीके से चेक कर लिए हैं। और ये महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 है 2020 मॉडल। और दोस्तों ये कार पूरी अब कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसे स्टार्ट करके और इसकी ट्रायल भी ज़रा थोड़ी चलाकर भी देखेंगे गाड़ी। Seat belts for a safe drive. तो दोस्तों अभी हम कार की ट्रायल पे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बारिश भी हुई है, सब रही होगी, और साइडों में थोड़ा थोड़ा पानी भरा हुआ है। तो क्योंकि अभी थोड़ा टाइम पहले ही इधर बारिश हुई थी हमारे यहाँ पर, तो बारिश की वजह से सड़क जो है थोड़ी फिसलनी हो गई है। तो अभी हम गाड़ी को थोड़ा स्लो ही चला रहे हैं, ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाएं, क्योंकि ज़्यादा स्पीड में अगर गीली सड़क पे चलाओगे तो गाड़ी कई बार फिसल भी जाती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
और दोस्तों इस काम वाली जानकारी को आगे भी शेयर करें ताकि ये काम वाली जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके और किसी की हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।